हेलो दोस्तों, मैं हूं रत्नेश, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी तक के आपने मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और अभी तक के आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाए और फॉलो कीजिए। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि फास्ट बॉलिंग का स्पीड आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दिया था। बोला हुआ था कि मैं फिटनेस के लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो है फिटनेस के लिए। फिटनेस का मतलब क्या है? 16 के डोले या सिक्स पैक को फिटनेस नहीं बोलते, वो बॉडी बिल्डिंग में के काम है 16 के डोले बनाना, और यू नो वो बॉडी बिल्डर्स के काम है। क्रिकेट में अगर आप 16 के डोले बना के बॉलिंग करते हो तो अब हर कोई स्वयंसर नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैंने पहले बोला हुआ, मुझे जो आता है या मैंने जो किया हुआ है वही मैं अपने चैनल में अपने अनुभव के रूप में बताऊंगा। तो फिटनेस का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए समझाता हूँ। जैसे आप में से कोई 20 साल का है और आपकी हाइट 5'8" इंच है और आपका वेट 80 केजी है, मतलब आप अपनी एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है, तो मतलब आप अनफिट हो। 5'8" के हिसाब से आपका बॉडी का वेट होना चाहिए 62 से 68 केजी। मतलब जस्टिंग यार, आप 5'8" आपकी हाइट है, आपकी एज 20 और आपका वेट 80 केजी, तो आप कैसे बॉलिंग कर पाओगे, कैसे फास्ट बॉलिंग कर पाओगे, आप तो ओवर वेट हो ना। ठीक उसी प्रकार जैसे आपका एज 20 साल है और आपका हाइट 5'8" है और आपका बॉडी वेट 50 से 55-58 के आसपास है, मतलब आप दुबले पतले हो, आपकी बॉडी में मसल से ही नहीं बनी है, तो कैसे आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हो, ये सोचने वाली बात है। तो फिटनेस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फिट करिए। आपने मेरे स्टूडेंट के इंटरव्यू में सुने होंगे कि रत्नेश भैया ने मेरा 10 किलो वजन बढ़ाए, 10 किलो वजन कम किए, 6 किलो वजन बढ़ाए, 4 किलो वजन बढ़ाए, कम किए, ऊपर नीचे। तो सबसे पहले मैं लड़कों को फिट करता हूँ, जो सबसे पहला मेरे को जो लड़कों को ट्रेन करने का मेरा जो तरीका है, हो सकता है मेरा तरीका लोगों से अलग हो, क्योंकि मैं पहले बोला हुआ मुझे जो आता है, मैंने जो किया हुआ है मैं वही बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लड़कों को फिट करता हूँ। अगर लड़के फिट रहेंगे, अगर उनकी उनकी बॉडी में दम रहेगा, तभी तो यानी तेज बॉल फेंक पाएंगे ना, तभी तो बॉल हिट कर पाएंगे तेज। तो मेरा सबसे सिंपल है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फिट कीजिए। तो बॉडी को फिट कैसे करें, इधर या इधर कहीं पर भी मैं एक चार्ट दे दूंगा और आप अपनी हाइट के हिसाब से अपने आंकड़ों, जो मतलब आपकी जो हाइट है, आपने जो भी है आपका, उस हिसाब से आप अपने आप को बोलना चाहिए, उस आंकड़ों में आप फिट करिए। फास्ट बॉलिंग मेरे भाइयों बिना फिटनेस के नहीं हो सकती, मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो बिना फिटनेस फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती। फास्ट बॉलिंग के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। मैं अगर मेरे से आप पूछते हो तो 60% आपका फिटनेस, 40% आपकी प्रैक्टिस, अगर आप मेरे से पूछे हो तो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले मैं आपने को चार्ट दे दिया हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आप, जितना आपका हाइट है, जितना आपका एज है, आप लड़के हो लड़की हो, सभी इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको फिट करिए, उसके बाद ही फास्ट बॉलिंग हो सकती है। जैसे आपका वेट कम है तो आप इन आंकड़ों को देख के अपना वेट बढ़ाइए, वेट ज़्यादा है तो इस आंकड़ों के हिसाब से अपना वेट कम करिए। और मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रेनिंग करने के तरीके हैं छोटे, सॉरी दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग करने के तरीके हैं वो मेरे हैं, तो हो सकता है किसी को ये बात तो मालूम हो, किसी को ना हो। तो मैं तो ऐसे ही खुद को ट्रेन किया था, ऐसे ही मैं खुद के अपने स्टूडेंट को ट्रेन करता हूँ। पहले बोला हुआ है कि आप देश में, दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कोच से ट्रेनिंग लो, रिजल्ट मिलना चाहिए। बस किसी भी कोचिंग लो, कुछ भी करो, कैसे ही करो, मतलब नहीं है, कोई माइंड नहीं करता, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, बस। लेकिन रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। फिटनेस है तो फास्ट बॉलिंग है, और फास्ट बॉलिंग है तो अच्छा भविष्य है, अच्छा करियर है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम में जाएं, रत्नेश बोर्कर नाम सर्च करिए। और मैंने कुछ दिन पहले एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हूँ मेरे लाइफ के ऊपर, चोलियर क्रिकेट मेमोरीज के नाम से, तो आप वो सर्च करें और वहाँ पर भी आप मेरे बारे में जानना है तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप
ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।